लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पास्कल्स लॉ रिवाइज करेंगे। इफ देर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर इन एनी पार्ट और एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज लिक्विड, देन दिस चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पॉइंट एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज इग्नोर्ड। ओके, अब पास्कल लॉ में कुछ हमें पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं। दे आर द फ्यू पॉइंट्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। फर्स्ट पॉइंट इज जो हमने अभी बात की, वी शुड इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी मस्ट बी इग्नोर्ड। अगर ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं तो लॉ में थोड़ा सा चेंज आता है। सेकेंड पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड एज वेल एज टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। थर्ड पॉइंट, हम यहाँ पर जो सिर्फ बात है वो लिक्विड्स की करेंगे क्योंकि गैसेस के केस में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। गैसेस के केस में प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी चेंज हो जाती है। ओके, अब हम पास्कल लॉ की एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने वाले हैं। ये एज सच तो पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में साथ साथ लिखते चलिए, आगे पीछे मत हो जाइए। चलिए, इसमें हम क्या करेंगे, कंसिडर ए वेसल फिल्ड विद वाटर हैविंग थ्री ओपनिंग्स। तो यहाँ पर हम एक वेसल लेंगे जिसमें तीन ओपनिंग्स हैं। तीनों ओपनिंग्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। मेरी ड्राइंग आपको पता ही है खतरनाक है। वेल आई विल ट्राई। तो एक ओपनिंग, फर्स्ट वन, उसका नाम रख दिया कैपिटल ए। दूसरी ओपनिंग जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हमें पता लग रहा है सबसे बड़ा है, मान लीजिए इसका नाम रख दिया बी। और तीसरी ओपनिंग जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे छोटा है, लेट अस लेबल इट सी। इन तीनों ही ओपनिंग्स में हमारे पास मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस सिलेंडर्स अटैच हैं। इन दोनों का पर्पस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस सिलेंडर्स का पर्पस क्या है, कि अगर हम एक साइड पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई करें तो हम दूसरी तरफ से ये चेक कर पाएँ कितनी फोर्स ट्रांसमिट हो रही है। ओके, लेट अस सपोज दैट कैपिटल ए जो हमने फर्स्ट ओपनिंग ली है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए, जो कैपिटल बी उसके लिए ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, जो तीसरी ओपनिंग है सी उसके लिए लेट अस सपोज दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a/2। अब इस वेसल को हम किसी लिक्विड से वाटर से फिल कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, इस वेसल को वाटर से फिल अप कर रहे हैं। यू कैन टेक वाटर और एनी अदर लिक्विड, इसका कोई लिक्विड या वाटर का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब हम इस पिस्टन पे, कैपिटल ए वाले पिस्टन के ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ फोर्स अप्लाई करने का मतलब होगा कि हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमने ए ओपनिंग के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया, F/A। मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़ी आसानी से फीलिंग आएगी कि अगर हमने ए ओपनिंग के ऊपर प्रेशर लगाया है तो इसको, इस पिस्टन को अंदर को पुश किया है, तो हमें बाकी दोनों पिस्टन्स बी एंड पिस्टन सी के ऊपर भी नीचे से फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ेंगी ताकि ये पिस्टन्स को नीचे मूव करने से रोका जा सके। अब एक्सपेरिमेंट्स ये शो करते हैं कि बी पिस्टन के केस में हमें जो फोर्स है वो कितनी अप्लाई करनी पड़ती है, 2F, सो दैट वी कैन स्टॉप मूविंग ऑफ पिस्टन इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली तो सी पिस्टन के ऊपर हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, F/2। मुझे करेक्शन करनी चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी टेकन एज स्मॉल एफ, हमने वह जगह सिंबल स्मॉल एफ ही लिया हुआ है। यहाँ पे इन दोनों में फोर्स वेरी कर रही है, जो 2F फोर्स है वो B पे लग रही है। द बेसिक आइडिया इज कि हर जगह पे प्रेशर सेम होगा। जो B पिस्टन था उस पे फोर्स कितनी लगी, 2F। क्यों लगी, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A था। ताकि
ताकि हर जगह पे प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाए, क्लियरली टू से टू कट जाएगा। सिमिलरली अगर सी पिस्टन की बात करें, वहाँ पर कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एफ़ बाय टू। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ए एफ़ क्रॉस सेक्शन कितना था, ए बाय टू। ये ए से एक सॉरी टू से टू फिर कट जाएगा, मीन्स फिर से प्रेशर कितना आएगा, एफ़ बाय ए। तीनों पिस्टन्स के ऊपर प्रेशर इक्वल अमाउंट में ही ट्रांसमिट होगा। कीप इन माइंड कि हमने इस पूरी डिस्कशन के दौरान ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर किया है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। अभी हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। नाउ वी हैव एप्लीकेशन, वैसे तो तीन एप्लीकेशंस आएंगी, हम एप्लीकेशंस ही लिख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। एंड द फर्स्ट एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी होगी, आप सभी ने कहीं ना कहीं कार सर्विस सेंटर या कार वॉशिंग वाली वर्कशॉप पे इसे देखा है या नहीं। हाइड्रोलिक लिफ्ट कार उठाने के लिए यूज़ होती है भाई, सिर्फ कार उठाने के लिए क्यों, आप इसे किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा कि देते वाले ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे भी हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है, और उससे हम बड़ी आसानी से रेते को ट्रॉली से बाहर ढेर कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ बेसिकली ए फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर मतलब कम फोर्स लगाकर भी ज़्यादा वेट लिफ्ट किया जा सकता है। पर याद रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा एप्लीकेबल है, इसमें किसी भी मैजिक के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। भैया कम एनर्जी दी और ज़्यादा एनर्जी हमें मिल गई, थोड़ी सी एनर्जी देके हमने ज़्यादा भारी कार को उठा लिया, नहीं। फोर्स मल्टीप्लाई होती है, एनर्जी मल्टीप्लाई नहीं होती। लेट अस सी हाउ हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स। इसके लिए हम यहाँ पर दो सिलेंडर्स लेंगे, C1 एंड C2। इन दोनों सिलेंडर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग रखेंगे। डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि मैं एक सिलेंडर का रिपीट करूँगा, दो सिलेंडर्स लिए, C1 एक तरफ, दूसरी तरफ लेंगे C2। C1 एंड C2। C1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम लिया, C1 के ऊपर भी एक पिस्टन है और C2 के ऊपर भी एक पिस्टन है। चलो समझने के लिए हम यहाँ पर C2 के ऊपर एक हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी वेट रख देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी भारी चीज़ जिसको उठाना है, उस हम कहाँ रखेंगे, उस साइड में, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। इन दोनों सिलेंडर्स को एक पाइप से जोड़ा हुआ है, ये रही पाइप, इस पाइप से जोड़ा हुआ है, और इस पूरे अरेंजमेंट में दोनों सिलेंडर्स C2, C1 और पाइप, इस अरेंजमेंट में हम क्या भर रहे हैं, लिक्विड। लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जनरली ऑयल्स रहते हैं। ओके, अब C1 का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं स्मॉल, ए एंड C2 के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, फाइन। अब हमने क्या किया, C1 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी शुरू की। हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल एफ। अप्लाई करने से यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, और ये प्रेशर पास्कल लॉ के मुताबिक हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा। मीन्स पी प्रेशर विच इज़ इक्वल टू F/A विल बी इक्वली ट्रांसमिटेड टू सिलेंडर विद लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, विच मीन्स दैट F/A इज इक्वल टू कैपिटल F/A। वे कैपिटल F रिप्रेजेंट फोर्स एग्जर्टेड ऑन C2 सिलेंडर, बड़े क्रॉस सेक्शन वाले पे
जो फोर्स लगेगी वो कितनी है, कैपिटल एफ। अब हमने पहले से ये असम्पशन ले रखी है स्मॉल ए इज़ लेस देन कैपिटल ए, तो इस इक्वेशन से अगर ए छोटा है, स्मॉल ए छोटा है, तो क्लियरली स्मॉल एफ भी छोटा होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल एफ विल बी ग्रेटर देन स्मॉल एफ। मीन्स कि हमने इधर से सी वन पे अप्लाई की फोर्स स्मॉल एफ, बट इधर से हमें कितनी फोर्स मिल रही है, यहाँ से कितनी फोर्स मिल रही है, कैपिटल एफ, यानी कि हम यहाँ से कितना वेट उठा सकते हैं, कैपिटल एफ वेट उठा सकते हैं। इज दैट ओके? तो जो हमें समझना है कि अगर हम ए बाय ए की रेशियो को इंक्रीज करते जाएं, देन एफ विल आल्सो, या एफ बाय एफ विल आल्सो इंक्रीज, विच मीन्स दैट वी कैन लिफ्ट हैवी लोड लाइक कार्स एंड ट्रक्स बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स। मैं रिपीट करता हूँ कि हमें वर्क डन इन बोथ केसेस सेम मिलेगा, मतलब देर विल बी नो गेन और लॉस ऑफ वर्क, एनर्जी कंजर्वेशन इज स्टिल एप्लीकेबल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि पहली बार में पक्का फीलिंग आएगी यार थोड़ा सा फोर्स लगाई, ज़्यादा लोड उठा लिया तो हमें मोजियाँ लग गई हैं, वर्क डन एक्स्ट्रा मिल गया, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके, क्या आप लोगों को यहाँ पर मैं वर्क डन को लिखता हूँ स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल एफ इंटू स्मॉल एस। ओके, जब फोर्स स्मॉल है तो अब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, एंड जब एफ ज़्यादा है तब डिस्प्लेसमेंट कम होगा, सच दैट वर्क डन इज कॉन्स्टेंट। अब ये देखिए, अगर हम स्मॉल एफ अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ज़्यादा होगा, पिस्टन नीचे को ज़्यादा मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी एस। बट ऑन द अदर हैंड जब हम फोर्स दूसरे पिस्टन की बात करते हैं, एरिया ज़्यादा है, तब ये पिस्टन थोड़ा सा ही ऊपर को मूव करेगा, एंड देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉल एस। द बेसिक आइडिया इज वर्क डन विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, बट लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज एप्लीकेबल। इज दैट फाइन? ओके, दैट्स ऑल।